इलेक्ट्रल रोल प्रिपरेशन स्टार्ट्स वी मेक ए ड्राफ्ट पब्लिकेशन वी गिव टू कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज उसके बाद जितने फॉर्म 6 फॉर्म 7 फॉर्म 8 नया नाम जुड़ने के डिलीशन के मॉडिफिकेशन के मेरा नाम बदल है घर बदल गया वो सब की कॉपी हम शेयर करते हैं उसके मिनट्स बनाते हैं और इस बार हमने और जोर दिया कि बूथ लेवल एजेंट्स अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे बीएलओस के साथ लगाना चाहें तो लगाएं और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वी आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट दैट साइलेंटली वी वर वर्किंग सब ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1-2-3 मीटिंग्स की हैं उनको सारे ड्राफ्ट रोल्स दिखाए हैं दिखाने के बाद जितने ऑब्जेक्शंस हैं वो उनको पूरा किया है और उसके मिनट्स बना के रखे हैं फ्रेंड्स वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट एंड वी आर कॉन्शियस दैट ए वेरी सॉलिड इलेक्ट्रल रोल इज द फाउंडेशन स्टोन ऑन एनी इलेक्शन एंड वी आर रेडी टू गो विथ दिस वी हैव ऑल्सो वर्कड ऑन द वुमेन वोटर्स वुमेन वोटर्स का जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ के अब 948 हो गया विच इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग इन आर इलेक्ट्रल साइकिल राज्य देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज्यादा है और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं फीमेल वोटर्स हैं सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड एंड दिस इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन दैट वुमेन आर आल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन आर इलेक्शन और जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन है ऐसे ही यूथ पार्टिसिपेशन इज अनदर एरिया विच द कमीशन इज वेरी कॉन्शियस एंड कमीशन इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन 13 से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19 और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट दैट आउट ऑफ 13.4 लाख एडवांस एप्लीकेशंस व्हिच हैव कम टू अस अराउंड 5-6 lakhs आर सच हु विल कंप्लीट द एज ऑफ 18 बाय 1 अप्रैल 2024 और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे यानी इट द रोल वुड बी एज मच अपडेटेड ऑन 1 अप्रैल की कोई भी छूटे नहीं नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज़ की वजह से कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे फ्रेंड्स जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें कैसे तैयार करें हर बूथ पे पीने का पानी होगा टॉयलेट होगा मेल एंड फीमेल अलग साइनेज होगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा एक व्हील चेयर होगी हेल्प डेस्क होगी वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा और शेड भी होगा सफिशिएंट लाइट भी होगी यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल दी पोलिंग स्टेशंस और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेटअप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन अपने पर्सनल को लेके जाएगा एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड वी आर श्योर दैट वी वुड मेक इट अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर आर वोटर्स एंड देन द वोटर्स डिलाइट पोलिंग स्टेशन इस तरीके के मिलने चाहिए जिसमें ये सभी चीज़ें आपको मिलें
then how would we ensure that it is also inclusive? Inclusive in the sense 85 plus जितने voters हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं. Nomination से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे. देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है. अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुँचाएंगे. अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे. हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी. उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहाँ उपलब्ध रहेगी. नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है. दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी. हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल. पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे. सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें. मैं इसी क्रम में आगे थोड़ी अर्बन एपैथी की भी बात करूंगा. हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में, हम देखते हैं जहां घर के नीचे बूथ है वहां पे बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते. ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि वो ये समझें कि वोट देना कितना ज़रूरी है. अगर हम 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं, तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है उसमें वोट देने जरूर आएं. फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट द सस्टेनेबल इलेक्शंस एज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इलेक्शंस हों इसके लिए भी हमने डायरेक्शंस अपने इलेक्शन मशीनरी को दी है. वेस्ट मैनेजमेंट किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग के बाद में दिखाई नहीं देना चाहिए. आप उसको कलेक्ट करें, डिस्पोजल करें और टीम्स के साथ में सेंड देम टू वेरियस डिस्पोजल. थिंक इट्स पार्ट ऑफ द मटेरियल अरेंजमेंट. मिनिमल यूज पेपर का करें. मैक्सिमम हमारी ई बुक्स लागू हैं, आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट पर ई बुक है. मोर एंड मोर कार्बन फुटप्रिंट्स को हम कम से कम किस तरह से कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, मोर एंड मोर लेस एंड लेस पेपर वर्क, ऑल दैट इज वॉट इज आर कमिटमेंट टू द एनवायरमेंट. वी आर ऑल्सो ग्रेटली लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन 3 वर्टिकल्स फॉर द हेल्प ऑफ द वोटर, फॉर द हेल्प ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसीज मशीनरी एंड ऑल्सो फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स. कोई भी वोटर पूरे देश में उसका एपिक नंबर से बूथ कहाँ है, उसका एपिक डाउनलोड करना है. इफ़ ही हैज़ ए मोबाइल नंबर सीडेड, ही कैन डाउनलोड हिज और हर मोबाइल. कोई भी BLO के बारे में कोई जानकारी लेनी है, वन कैन गो टू द वोटर हेल्पलाइन एट. यू कैन नो अबाउट वॉट काइंड ऑफ ए कैंडिडेट यू हैव इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी हु आर कंटेस्टिंग. सो देर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट. तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें KYC के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी. और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का, उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, TV में देना पड़ेगा. अब पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा तो बाकी क्यों नहीं मिला. आप बताइए व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड. देन इन ऑर्डर टू क्लीन अप द एंटायर सिस्टम वी वॉन्ट टू यूज द टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ द सिटीजन्स.